Hello students, welcome to history class 11th. Student, in last videos we have discussed about the construction of the temples. What kind of temples were there and what kind of suitable material was used in that temples and how the temple got their patronage from the different rulers, how rulers came to exist. These things we have discussed. Now next topic is life in a city. Life in the city, this is the next topic. And last video we have discussed that a small section of society had a major share of wealth, means some people had large resources. Nothing make this fact as clear as enormous riches, gold vessel, wooden musical instrument inlaid with the white shell and lapis lazuli, ceremonial dagger buried with some kings and queens at Ur, but what of the ordinary people? So from excavation these things we have found, which shows that rich people life would be of that kind. But what about the ordinary people? So ordinary people, we do not have so much information about the ordinary people, but whatever we have, we can conclude that we know from the legal text, dispute, inheritance matter. मतलब जो स्टूडेंट जो लिखा जाता था आम लोगों के बारे में वो कहाँ लिखा जाता था, क्योंकि राजा के बारे में तो बहुत सारी चीजें मिल देंगी, राजा की प्रेज में लिखी हुई बातें मिल जाएंगी, जहां राजा दफनाया गया उस चीज वहां पर कोई चीज बनाई हुई मिल जाएगी, लेकिन आम लोगों का जिक्र कहाँ होता है? जहां पर डिस्प्यूट का सॉर्ट आउट हुआ हो, मतलब अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है उसको शांत करने के लिए क्या कुछ सहमति बनाई गई उसको लिखा गया, पिता से पुत्रों को मिलने वाली जायदाद के पेपर, इस तरह के जो सिस्टम है उनसे पता चलता है कि मेसोपोटामियन सोसाइटी जो थी वो एक न्यूक्लियर फैमिली नॉर्म था. वहां पर न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक आदमी हो, उसकी वाइफ और बच्चे रहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली. ज्वाइंट फैमिली अलग चीज होती है, न्यूक्लियर फैमिली अलग चीज होती है. Although a married son and his family often resided with his parent, मतलब बच्चे जो थे, बच्चों की फैमिली जो थी, मतलब जब तक उनको काम नहीं मिलता था हो सकता था वो फादर के साथ रह लें, और फादर जो था वो हेड ऑफ फैमिली होता था, जो आज भी हमारे यहां भी है. अब प्रोसीजर ऑफ मैरिज के लिए हम जो मैरिजेस होती हैं उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अ डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी, द ब्राइड्स पेरेंट्स गिव देयर कंसेंट टू द मैरिज. मतलब क्या था कि जो मैरिज थी वो कैसे की जाती थी, कि ब्राइड के पेरेंट्स जो थे वो डिक्लेयर करते थे कि हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जो था कंसेंट मैरिज का था वो दूसरी तरफ से आता था, तो मैरिज हो जाती थी. कंसेंट मतलब सहमति. उसके बाद देन अ गिफ्ट वॉज गिवन बाय ग्रूम्स पे पीपल टू ब्राइड्स पीपल, मतलब जो लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को गिफ्ट वगैरह दिए थे. व्हेन वेडिंग टुक प्लेस गिफ्ट फॉर एक्सचेंज पार्टी बोथ पार्टीज हु एट टुगेदर एंड मोड मेड ऑफरिंग्स इन द टेंपल्स. मैरिज होती थी वो टेंपल्स में होती थी, और मैरिज के टाइम क्या होता था, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे. व्हेन हर मदर इन लॉ केम टू फेच हर, जब मतलब कि जो लड़की थी उसकी मदर इन लॉ उसको लेने आती थी, द ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर ऑफ इनहेरिटेंस बाय फादर, मतलब पिता का बेटी को शेयर मिलता था. जनरली ऐसा अब ऐसा नहीं होता, लेकिन उस टाइम ऐसा होता था. वो किस चीज में शेयर होता था, फादर शेयर जो होता था हाउस में, हर्ड्स में, फील्ड्स में, जितना भी शेयर होता था पिता को अपनी पुत्री को देना होता था, लेकिन जो रिसोर्सेस थे उनके ऊपर शेयर जो था इनहेरिटेड बाय सन. फादर्स हाउस हर्ड्स फील्ड्स इनहेरिटेड बाय, सो जो फादर के हाउस हर्ड्स और फील्ड्स थे उनके ऊपर बच्चों का यानी कि सन का अधिकार होता था. लेट अस लुक एट उर, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड. उर वाज टाउन हुज ऑर्डिनरी हाउस वर सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूटेड इन 1930s. तो जो शहर था वो था उर,
जो शहर था उर, उस शहर की खुदाई की गई, एग्जीक्यूटेड मतलब खुदाई करना, खुदाई की गई, तो उसके बाद पता चला कि यहां पर क्या था, असल में क्या था कि नैरो स्ट्रीट्स थी, नैरो एंड विंडी स्ट्रीट्स, और तो जिससे पता चलता है कि व्हील्ड कार्ट्स कुड हैव रीच्ड मेनी ऑफ द हाउसेस, बहुत सारी जगह पर घरों में ये व्हील कार्ट्स यानी कि पहियों वाली जो कार्ट थी वो पहुंच सकती थी। सैक ऑफ ग्रेन्स एंड फायरवुड वुड हैव अराइव ऑन डंकी बैग, और ज्यादातर जो अंदर वाले एरिया से वहां पर डंकी बैग यानी कि गधों पर लाद कर सामान लाया जाता था। नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स एंड इरेगुलर शेप्स ऑफ हाउस प्लॉट्स ऑल्सो इंडिकेट एन एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, मतलब जो घर थे एक तो नैरो स्ट्रीट्स थी, ऊपर से घर बने थे उनके प्लॉट्स जो थे सेम शेप के नहीं थे, कोई अलग शेप का था, ट्रायंगुलर था, कोई हेक्सागोनल था, कोई ऑक्टागोनल था, ऐसे थे, तो मतलब टाउन प्लानिंग नहीं थी। देर वर नो स्ट्रीट ड्रेन्स ऑफ काइंड वी फाइंड ऑन कंटेम्प्रेरी मोहनजोदारो, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोहनजोदारो, जो आपने सिक्स में पढ़ा है। मोहनजोदारो में जो टाउन प्लानिंग थी स्ट्रीट ड्रेन की, वो सारी जो प्लानिंग थी वो यहां नहीं थी। ड्रेन एंड क्ले पाइप्स वर थॉट दैट इंस्टेड ऑफ फाउंड इन इनर कोर्टयार्ड ऑफ उर हाउस एंड इट इज ऑल्सो थॉट दैट हाउस ऑफ रूफ स्लॉप्स इनवर्ड एंड ड्रेन वाटर वॉज चैनल वाया ड्रेन पाइप्स इनटू सम इन दिस इनर कोर्टयार्ड दिस वुड हैव बीन अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग अप अनपेव्ड स्ट्रीट फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिवली स्लशी आफ्टर डाउनपोर, मतलब क्या था कि जो घरों की छतें वो अंदर की तरफ मतलब कि ढलान की होती थी, जिसके कारण जब भी पानी हो, डाउनपोर मतलब बरसात होना, तो जब भी बरसात हो तो कोर्टयार्ड से होता हुआ पानी सम्प में चला जाए। सम्प क्या होता है, जो मतलब कि एक सम्प बना होता है वो गड्ढा बना होता है, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाए और सीवेज से बाहर निकल जाता है, उसको सम्प कहते हैं। जब भी डाउनपोर हो तो वो जो स्लशी मतलब जो पहले जो स्ट्रीट्स हैं वो पहले ही कच्ची हैं, अगर उनमें पानी चला गया वो और कीचड़ भरी हो जाएंगी। इस चीज से बचने के लिए लोगों ने पानी को अपनी तरफ ही बहाव रखा था उसका। तो ये टाउन प्लानिंग जो टाउन की ऊपर से पिक्चर है लेआउट की, वो इस तरह की है। सो येट पीपल सीम टू हैव स्वेप्ट ऑल देयर हाउसहोल्ड रिफ्यूज इन टू द स्ट्रीट्स, मतलब लोग क्या करते थे, गली में सारा कूड़ा करकट फेंकते थे। टू बी ट्रॉडन अंडर फूट दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज, अब जो कूड़ा करकट गली में फेंका जाता था उससे क्या होता था कि जो गली का लेवल था वो ऊपर हो जाता था। एंड ओवर टाइम द थ्रेशोल्ड ऑफ हाउसेस हैड ऑल्सो बी रेज सो दैट नो मड वुड फ्लो इनसाइड आफ्टर द रेन्स, मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब होता है ढेली, जिसको हम दरा कह देते हैं। जो दरा है, जो घर की जो थ्रेशोल्ड है, वो टाइम टू टाइम उसको रेज किया जाता है, मतलब ऊंचा किया जाता है, ताकि जो क्योंकि गली लगातार जो वेस्ट मटेरियल उसके फेंकने से गली जो है उसका लेवल ऊपर होता जा रहा है, और जब कभी बरसात होगी तो पानी अंदर की तरफ ना, इसलिए थ्रेशोल्ड जो है वो राइज किया जाते थे। लाइट का प्रबंध कैसे, लाइट केम इन टू द रूम्स नॉट फ्रॉम विंडो बट फ्रॉम द डोरवे, सिर्फ डोरवे से लाइट आती थी जो कोर्टयार्ड में उनके खुलते थे दरवाजों से। तो जो विंडोज होती थी वो बंद ही होती थी, जिससे क्या होता था फैमिलीज की प्राइवेसी का काफी ध्यान रखा जाता था। और कुछ सुपरस्टिशंस भी थे अबाउट द हाउसेस, जो मतलब ओमैन टैबलेट उर में लिखा हुआ मिला, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि रेज थ्रेशोल्ड ब्रॉट वेल्थ, कहते हैं जो मतलब थ्रेशोल्ड यानी कि जो दर्रा है, जो देली है, अगर उसको हम थोड़ा ऊंचा रखेंगे तो वेल्थ हमारे घर में आएगी। इसी तरह से इफ द वुडन डोर ऑफ द हाउस ओपन आउटवर्ड, तो मतलब क्या है, वाइफ वुड बी टॉर्मेंट ऑफ हर हस्बैंड, मतलब क्या है कि अगर दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है तो औरत डोमिनेंट होगी घर में, अगर अंदर की तरफ खुलता तो मेल डोमिनेंट होगा। इस तरह से देयर वॉज टाउन सिमेट्री एट उर, उर शहर में एक सिमेट्री यानी कि एक
मुर्दा घर भी था, विच द ग्रेव ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमनर्स हैव बीन फाउंड बट द फ्यू इंडिविजुअल्स वर फाउंड बरीड अंडर द फ्लोर ऑफ ऑर्डिनरी हाउस। कुछ लोग ही घरों के फर्श के नीचे दबाए गए थे, बाकी सबों के लिए ये क्रीमेशन ग्राउंड बने हुए थे, सिमेट्रीज बनी हुई थी। तो इस तरह से ये रीति रिवाजों के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल।